नमस्कार, संसद टेलीविजन के खास कार्यक्रम आपके संसद में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता और आज के इस अंक में हम आपको लेकर चलेंगे हाथरस और दिखाएंगे इस संसदीय क्षेत्र के विकास की पूरी यात्रा। हाथरस संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं राजवीर दिलेर। सांसद के तौर पर राजवीर दिलेर ने संसदीय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी ली है और वो लगातार इस पर काम भी कर रहे हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं हाथरस लोकसभा क्षेत्र की विकास यात्रा पर। हाथ हाथ में रस लिए, बात बात में बात, शहर हाथरस कर रहा हर रस की बरसात। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पद्मश्री काका हाथरसी की नगरी हाथरस की। हाथरस उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर होने के साथ ही एक लोकसभा क्षेत्र है। 1800 वर्ग किलोमीटर में फैले हाथरस लोकसभा सीट के अंतर्गत 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ये विधानसभा सीटें हैं हाथरस, सादाबाद और सिकंदरा राव। आज हाथरस के विकास की जिम्मेदारी सांसद राजवीर दिलेर के हाथों में है। मैं राजवीर दिलेर, जो लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। राजवीर दिलेर का जन्म 1 मई 1958 को अलीगढ़ जिले के दौरव कस्बे में हुआ। किसान परिवार से आने वाले राजवीर दिलेर का बचपन गरीबी में बीता, लिहाजा ये मैट्रिक की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सके। राजवीर दिलेर राजनीति के प्रभावशाली नेता किशन लाल दिलेर के पुत्र हैं। किशन लाल दिलेर हाथरस संसदीय क्षेत्र से 4 बार सांसद रहे। किशन लाल दिलेर ने 5 बार बतौर विधायक भी क्षेत्र की जनता की सेवा की। राजवीर दिलेर हाथरस की जनता के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। इसकी एक बड़ी वजह क्षेत्र में उनके पिता की लोकप्रियता भी है। साथ ही खुद राजवीर दिलेर की छवि साफ सुथरी और निर्विवाद जनप्रतिनिधि की है। 50 साल की राजनीति, मेरे पिताजी पर कोई दाग नहीं था, स्वच्छ छवि थी। 4 बार सांसद रहे, 5 बार विधायक भी रहे वो। लेकिन उनके पद चिन्ह पर चलते हुए आज भी काम कर रहा हूँ और पार्टी की सेवा करता रहूँगा। पार्टी मेरे लिए अन्नदाता है और मैं पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। राजवीर दिलेर हाथरस संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। हाथरस में सड़कों की स्थिति बड़ी खराब थी, हमने सड़कों का नवनिर्माण कराया है। करीब 80-90 सड़कें मैं बनवा चुका हूँ, कुछ विधायक निधि से, कुछ PMJSY से, कुछ POD से। ये सड़कें करीब 300 के करीब सड़कें बन चुकी हैं अब तक। हाथरस में सबसे बड़ी दिक्कत जो थी एक ओवर ब्रिज की थी। एक ओवर ब्रिज हम रेलवे का हमारे पिताजी ने बनवाया था, आज एक ओवर ब्रिज हमने बनवाया वहाँ पे। और बनवाने के बाद एक वहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज है ही है, एक स्टेडियम भी का काम चल शुरुआत होने वाली है, उसको भी हमने स्वीकृत कराया है। दीनदयाल हॉस्पिटल एक सिकंदराव में बन रहा है, वो भी हम बनने वाला है, उसकी भी नींव रख दी गई है, वो भी शुरू होगा। राजवीर दिलेर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से हैं और पिता किशन लाल दिलेर के साथ रहते हुए राजनीति के गुर तो उन्होंने बचपन में ही सीख लिए थे, लेकिन साल 2000 से वो पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हो गए। साल 2000 से 2005 तक वो अलीगढ़ जिला पंचायत में सदस्य रहे। साल 2017 से 2019 तक वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। मई 2019 में राजवीर दिलेर 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। राजवीर दिलेर ने इस चुनाव में सपा गठबंधन के प्रत्याशी रामजीलाल सुमन को 2,60,208 मतों से हराकर जीत दर्ज की। आज राजवीर दिलेर का नाम उन कामयाब राजनेताओं की श्रेणी में आता है जो राजनीति में खुद को साबित करने में सफल रहे। मुझे शिक्षा दीक्षा संघ की, विद्यार्थी परिषद की बचपन से मिलती चली आई और मैं जोन करता रहा और सब में काम करता रहा। उसके बाद मैंने पार्टी में काम किया, पार्टी ने मुझे अनुसूचित मुझे जिलाध्यक्ष भी बनाया, जिला पंचायत सदस्य भी चुना गया। उसके बाद 2017 में 8 में मेरे फादर एक्सपायर हुए, लेकिन पार्टी का काम मैं निरंतर करता रहा। पार्टी ने
बड़ा प्यार और आशीर्वाद से मुझे 2017 में टिकट दी। हमारी पार्टी इंग्लैंड में कभी नहीं जीती थी, 74,800 वोटों से मैं जीत के आया था वहाँ। पार्टी का बड़ा आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर, मैं पार्टी के नियमों के अनुसार अपना काम करता रहा और मुझे 2019 में फिर पार्टी ने टिकट दी। राजवीर दिलेर ग्रामीण विकास और पंचायती राज के साथ साथ कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की संसदीय समिति के सदस्य हैं। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की बैठकों के जरिए सांसद राजवीर दिलेर अपने संसदीय क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जिले के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने और सरकार की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए हमेशा संबंधित विभागीय अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत भी हाथरस में लगातार विकास कार्य जारी हैं। मनरेगा योजना के तहत इस वर्ष 41,657 परिवारों को रोजगार दिया गया है। साथ ही दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत 105 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर क्षेत्रवासियों को लगातार प्रशिक्षण देकर उन्हें हुनरमंद बनाया जा रहा है। सांसद के प्रयास से क्षेत्र में वृद्धावस्था और किसान पेंशन योजना, निराश्रित महिला पेंशन और विधवा पेंशन योजना के साथ साथ दिव्यांगजन पेंशन योजना में लाभार्थियों को लगातार भुगतान किया जा रहा है। सांसद के तौर पर राजवीर दिलेर ने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए काफी काम किया है, खासकर सड़क, ढांचागत परियोजनाएं, खारे पानी की समस्या के साथ साथ उन्होंने रेलवे से जुड़ी समस्याओं के निपटारे की लगातार कोशिश की है। हाथरस उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा शहर है जिसके नाम से 4 रेलवे स्टेशन हैं, हाथरस सिटी, हाथरस किला, हाथरस जंक्शन और हाथरस मेंडू। आज सांसद महोदय के प्रयासों से हाथरस सिटी रेलवे स्टेशन को एक भव्य रूप मिला है। स्टेशन की एंट्री गेट की भव्यता आज देखते ही बनती है। हाथरस एक ऐसी जगह है, हर शहर में आपको एक स्टेशन दो मिलेंगे लेकिन हाथरस में 5-5 स्टेशन है। मैं 5 स्टेशन का मैंने दौरा किया है, जहाँ जहाँ जो भी व्यवस्थाएं पूर्ण करने पर रेल मंत्री जी से बात कर चुका हूँ। सौंदीकरण के नाम पे हम रेलवे स्टेशन को ले लेते हैं, रेलवे स्टेशन में ओवर ब्रिज एक बना हुआ है, लिफ्ट की व्यवस्था नहीं है कोई भी। हमने रेल मंत्री से लिफ्टों की बात की है, लिफ्ट भी हमने स्वीकृत करा दी है। ऐसी सारी सुविधाओं से हम हाथरस को पूरी तरह से युक्त करेंगे। काका हाथरसी के अलावा पूरी दुनिया में हाथरस की पहचान यहाँ की हींग और रंग गुलाल के लिए है। हाथरस को हींग की मंडी भी कहा जाता है। यहाँ हींग की लगभग 60 फैक्ट्रियां हैं, जिनसे लगभग 70 करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार होता है। हींग के कारोबार ने हाथरस के करीब 15,000 लोगों को रोजगार दिया है। यहाँ से तैयार हींग कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन आदि देशों में मुख्य रूप से एक्सपोर्ट होती है। काका हाथरसी का नाम प्रसिद्ध है, काका हाथरसी के नाम लेके आगे बढ़ेंगे, वहाँ लेके प्रसिद्ध करेंगे। दूसरा हींग और रंग गुलाल की नगरी कहा जाता है, उसे लेके प्रसिद्ध करेंगे। हम ऊपर तक पूरा प्रयास करेंगे उसके लिए। काका हाथरसी का हमने स्टेचू लगाने का वचनबद्ध है, हम उसे बनवाने जा रहे हैं, उसका बोल भी चुके हैं। काका हाथरसी के नाम से गेट भी बनवाएंगे वहाँ, और काका हाथरसी के नाम से ही हाथरस को जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। हाथरस को एक चीज़ से और भी पहचाना जाता है, वो हींग की नगरी से पहचाना जाता है। हींग के उत्पादन के मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी उठाया था, हींग का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, व्यापारी वर्ग आगे बढ़े। रंग गुलाल का भी कार्य वहाँ होता है, वो भी बड़े अच्छे बड़े पैमाने पर होता है, बाहर विदेशों तक जाता है रंग गुलाल और हींग। इसको हम पूरी तरह से लेके चल रहे हैं। सांसद राजवीर दिलेर लोकसभा में हाथरस में हींग के कच्चे माल के आयात को ड्यूटी फ्री करने और हींग संवर्धन को बढ़ावा देने की मांग लगातार उठाते रहे हैं। मेरी लोकसभा क्षेत्र हाथरस में हींग व रंग गुलाल का कार्य बड़ी मात्रा में होता है। हाथरस को हींग की नगरी के नाम से जाना जाता है। भारतीय भोजन प्रमुख अंग हींग, जो भोजन के स्वाद के साथ साथ अत्यंत पाचक भी है, जिसका कच्चा माल उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान से आयात करते हैं। इस बार आयात शुल्क 29.9% है, तथा अन्य शुल्क खर्चे भी लगते हैं जिस कारण इसकी कीमतें बढ़ जाती हैं, तथा हींग को हाथरस में तैयार करके भारतीय उपभोक्ताओं के अलावा कुवैत, सऊदी अरब सहित अनेक देशों में निर्यात करके विदेशी मुद्रा
अर्जित की जाती है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि हिंग आयात शुल्क को कम करने या निर्यात को प्रतिशत करने हेतु कदम उठाने के साथ साथ इस उद्योग के लिए विशेष पैकेज प्रदान करें जिससे इस उद्योग को बढ़ावा मिल सके। धन्यवाद। हाथरस संसदीय क्षेत्र के सिकंदरा राव विधानसभा क्षेत्र में लगभग 20 गांव और सादाबाद विधानसभा क्षेत्र में 50 गांव खारे पानी की समस्या से प्रभावित रहे हैं। संसद के अंदर और बाहर अपने क्षेत्र की इस समस्या को लगातार उठाते रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी लोकसभा क्षेत्र हाथरस के अंतर्गत कुछ गांवों की पेयजल की बड़ी समस्या है। भूजल में खारा पानी है जिसके कारण पीने के पानी की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। स्थानीय लोगों को पानी पीने वाला करीब 5 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। बिम्बेरी विधानसभा सिकंदरा व लगभग 20 गांव और विधानसभा सादाबाद में 50 गांव खारे पानी की समस्या से प्रभावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय जल शक्ति मंत्री जी से को अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र हाथरस की ओर पेयजल की समस्या का निवारण करें। धन्यवाद। सांसद महोदय के प्रयासों का परिणाम भी दिखने लगा है। आज सादाबाद और सिकंदरा राव के गाँवों में हर घर जल योजना के क्रियान्वयन से खारे पानी की समस्या लगभग दूर हो चुकी है। एक सादाबाद में 40 गांव है, सिकंदरा में 15 गांव है, 5 गांव हमारे सादा हाथरस में भी है। मैंने खारे पानी का क्वेश्चन अभी उठाया था और हमारे केंद्र से जो टीम गई है खारा पानी कैसे खत्म हो उसके लिए पूरे प्रयास कर रही है। मैंने भी सिंचाई विभाग से सारी नहरों को राजबाओं को साफ करवाया है सिंचाई विभाग से और उनमें 3-3 मीटर 3-3 फीट पानी 4-4 फीट पानी हर वक्त चलता रहना चाहिए जिससे कि वाटर लेवल हमारी ऊपर आए खारा पानी खत्म हो। सांसद के प्रयास से हाथरस शहर वासियों को जाम से निजात दिलाने के लिए शहर के तालाब चौराहे पर ओवरब्रिज बनवाया गया है। 26 करोड़ की लागत से 700 मीटर का ये तालाब ओवरब्रिज पुल आज हाथरस में विकास की एक नई कहानी गढ़ रहा है। सांसद निधि से हमने करीब 80 सड़कें बनवा चुके हैं अब तक। जहां पुलों की आवश्यकता थी छोटे मोटे बड़ों की उनकी भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। सिंचाई विभाग से हमने करीब 80 पुल अभी स्वीकृत कराए हाथरस तीनों विधानसभा के लिए। पीडब्ल्यूडी से सड़कों का जाल बिछाने में लगे पड़े हैं। हर गांव से शहर को कैसा जोड़ा जाए उसे जोड़ने पूरी तरह से प्रयासरत है। एक विधानसभा हमारी सादाबाद में आती है जहां 2 ओवरब्रिजों की अति आवश्यकता थी, हम सेतु निगम से हमने वो भी काम करा दिए। सिकंदराव में कॉलेज बनने जा रहा है, वो हॉस्पिटल बनने जा रहा है, कॉलेज हमारा हाथरस में बनने जा रहा है और एक स्टेडियम, ये दोनों कामों पर अच्छा दिखाई देगा। एक केंद्रीय विद्यालय बहुत बड़ी जगह हमारे पास पड़ी हुई है सासनी और अलीगढ़ दोनों के बीच में, उस जगह में केंद्रीय विद्यालय भी खुलवाने जा रहे हैं हम जिससे कि गरीबों के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ सकें। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों की भूमिका जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही अहम है उनकी चुनौतियाँ। उन्हें जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरना पड़ता है। हाथरस के सांसद राजवीर दिलेर भी संसदीय क्षेत्र में जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार उनके संपर्क में रहते हैं, उनकी समस्याओं का समुचित निराकरण भी करते रहते हैं। आज काका हाथरसी की इस नगरी में जितना विकास हुआ है वो सांसद के प्रयासों से हुआ है, लेकिन क्षेत्र की जनता का मानना है कि अभी विकास की गति को यहाँ और तेज करना चाहिए। सांसद राजवीर दिलेर के प्रयासों से आज हाथरस के सिकंदरा राव विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक स्टेडियम बनकर तैयार है। सांसद महोदय का मानना है कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में पूरी शिद्दत के साथ काम करवाए हैं और आगे भी उनके क्षेत्र में विकास कार्य जारी रहेंगे। सड़कों का हमने पूरा जाल बिछवाया है। हमारी सरकार की मंशा थी कि कोई भी गांव कनेक्टिविटी से जुड़ना चाहिए, कोई अधूरा नहीं रहना चाहिए। सिकंदरा में हमने मिनी स्टेडियम का स्थापना करा दी है, उसकी नींव रखवा दी, उसमें काम शुरू हो गया है। हाथरस में हमने वहाँ एक बड़ा स्टेडियम भी दिया है, पॉलिटेक्निक कॉलेज वहाँ पहले से है, एक महाकन्या विद्यालय जो होता है वो कन्या विद्यालय भी वो बनने जा रहा है, उसकी भी हमने नींव रखवा दी है।
सांसद के मुताबिक उनके संसदीय क्षेत्र में एक आधुनिक रोडवेज बस अड्डा और ट्रांसपोर्ट नगर बनवाने के अलावा एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना प्रस्तावित है और शीघ्र ही ये सौगातें उनके संसदीय क्षेत्र को मिलेंगी। हाथरस में एक जेल का नव निर्माण हो रहा है, जबकि हाथरस के कैदी सब अलीगढ़ आते थे, नव निर्माण वहाँ भी हो रहा है। एक कचहरी पे वहाँ से कचहरी उठ के दूसरी जगह जानी है, वहाँ का भी निर्माण शुरू होगा। एक हाथरस में मेडिकल कॉलेज सीपी के धमने भी कराया है, उसका भी स्थापना हो चुकी है, उसका भी काम जल्दी शुरू होने वाला है। सादाबाद में रेलवे के पुलों की स्थिति बड़ी खराब थी, गांवों के संबंध टूटते थे, वहाँ आए दिन रेल से लोग करते थे, हमने दो पुल भी स्वीकृत कराए रेलवे से। सांसद राजवीर दिलेर जब भी अपने संसदीय क्षेत्र में रहते हैं, अपने निवास पर जनता से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनके समुचित निराकरण के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चल के क्षेत्र की जनता के बीच में जब जाते हैं तो हम अपने आप को जनता का सेवक मानते हैं। जनता ने हमें यहाँ तक ऊपर तक पहुँचाया है, हम जनता के सेवक के सेवक बनके काम करेंगे। क्षेत्र की जनता, गरीब मजदूर किसान, जब मेरे पास कोई भी जनता दरबार लगाता हूँ और जब मुझसे आगे बात करते हैं, एक एक बात को अधिकारियों से बात करना, उनकी समस्या का समाधान करना, ये मेरा परम कर्तव्य और पहला काम होता है। ग्रामीण क्षेत्रों के सड़क, पानी और बिजली की समस्याओं के निराकरण के लिए वो अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते हैं। आज हमारे गांव में सांसद जी का भ्रमण हुआ है और क्षेत्र में भी सांसद जी आए दिन भ्रमण करते रहते हैं और जनता काफी खुश है। हमारे सांसद जी बहुत बढ़िया हैं, बिजली भी है, कहा कहता है नल भी है, खरंजा भी है, सब काम सही है यहाँ पर, बहुत बढ़िया है। कहा कहता जब गए होंगे, जब आधी रात पे आते हैं हमारे यहाँ पे, काऊ बात की परेशानी ना हम लोगों को। सांसद आप हमारे यहाँ पर आए हैं, कई बार आ चुके हैं और काम भी बढ़िया करवाते हैं। जो खरंजा रह गए उनके लिए उन्होंने बोल दिया कि हम उन्हें भी करा देंगे, सीसी रोड खंजा कराएंगे और लाट भी देंगे। कोई भी व्यक्ति अगर उनके पास जाता है तो कोई भी वहाँ से निराश लौटकर नहीं आता है, चाहे किसी भी समय चले जाए, चाहे रात के 12 बज रहे हों, चाहे 11 बज रहे हों, चाहे सुबह 10 बजे हों, सांसद जी किसी से भी किसी काम के लिए मना नहीं करते हैं। इन्होंने सांसद निधि से अपने संसदीय क्षेत्र के हर विधानसभा क्षेत्र में भरपूर विकास कार्य करवाए हैं। सांसद के सहयोगियों के मुताबिक सांसद राजवीर दिलेर न सिर्फ मृदुभाषी हैं, बल्कि जनता की समस्याओं को तत्काल निपटाने पर विश्वास करते हैं। मैंने इस परिवार की कार्यशैली देखी है और इनके जो कार्य करने का तरीका है, ये है कि ये पूरी तरह से जन समर्पित है। क्षेत्र की जनता जो भी समस्या लेके आती है, वो जब भी समस्या अपनी बताती है तो तुरंत ही निवारण करते हैं, संबंधित डिपार्टमेंट को वहाँ से फ़ोन करते हैं, पत्र की ज़रूरत है तो पत्र देकर उस समस्या को वहीं ख़त्म करते हैं। मैंने कोई ऐसा नेता अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा जो इतनी ज़्यादा जन समस्या सुनता हो, क्षेत्र में इतना ज़्यादा एक्टिव रहता हो, हर समय आप कभी फ़ोन मिलाइए, क्षेत्र में ही आपको मिला। संसदीय क्षेत्र में लगातार वो अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि वो यहाँ अधिकतर कार्यक्रमों में शामिल हो सकें। डेली दरबार लगता है मेरा, तो क्षेत्र की जनता के छोटे छोटे से काम होते हैं, बिजली है, सड़क है, किसी गांव में कोई नाली खरंजे हैं, उनकी मेरी सोच ये रहती है कि जो व्यक्ति मेरे पास आया है तुरंत उसका फ़ोन करना, लेटर लिख के देना अधिकारी के लिए, और फिर अधिकारी से ये साफ कहता हूँ मुझे 3 दिन में इसकी समस्या पता क्या हुआ, इसमें उसका पूरा फीडबैक लेता हूँ, और कहीं किसी अधिकारी से बातचीत नहीं हो पाती है तो मैं नोट कराता हूँ, शाम को सब उसे बात करता हूँ बैठ के। नहीं, हाथरस हिंदी के प्रसिद्ध हास्य कवि काका हाथरसी, जिनका असली नाम प्रभुलाल गर्ग था, की जन्मस्थली है। काका हाथरसी की रचनाओं ने हाथरस को पूरे विश्व में पहचान दिलाई है। काका हाथरसी की रचनाएं समाज में व्याप्त दोषों, कुरीतियों, भ्रष्टाचार और राजनीतिक कुशासन की ओर ध्यान आकर्षित करती रही हैं। संसदीय क्षेत्र में रहने के दौरान सांसद अक्सर काका के घर जाते हैं और उनकी कृतियों को पढ़ते हैं।
पद्मश्री काका हाथरसी की यादों को सहेजने और उन्हें अगली पीढ़ी तक बेहतर तरीके से पहुंचाने के मकसद से सांसद के प्रयासों से काका हाथरसी स्मारक भवन में काका की कहानियां आज भी जीवंत हैं। हाथरस शुरू से एक इंडस्ट्रियल हब रहा है। कॉटन मिल, चाकू, मसाला और देसी घी के उत्पाद के साथ साथ हाथरस का गल्ला मंडी यहाँ के मुख्य उद्योग रहे हैं। हाथरस के व्यापारी नरेंद्र बंसल का मानना है कि आज भी हाथरस व्यापार के मामले में उत्तर प्रदेश में अग्रणी है। हाथरस कृषि उत्पादों का भी केंद्र है। यहाँ का किसान मूंग, चना, मटर, उड़द आदि की खेती बड़े पैमाने पर करता है। हाथरस की साझा संस्कृति और सांप्रदायिक सौहार्द आज भी यहाँ की पहचान है। कानपुर के बाद उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान रखता है। दाल उद्योग बहुत बड़ा है हाथरस में, कम से कम 150 दाल मिल है हाथरस में। और हाथरस एक प्राचीन सांस्कृतिक नगरी है। पूरा हाथरस में आप ये समझ लीजिए, आप पूरे देश में जो आप चावल खाते हैं वो सब अपने यहाँ से जा रहा है। पूरे देश की सांस्कृतिक पहचान भी हाथरस से है। काका हाथरसी के नाम पे हमारे हाथरस का नाम है और पहचान है एक अलग ही, एक हास्य की सांस्कृतिक नगरी, बहुत ही अच्छी मेल मिलाप वाली नगरी है। देश के भविष्य को बेहतर ढंग से संवारा जा सके इसके लिए संसदीय क्षेत्र में समुचित शिक्षण संस्थान हैं। साथ ही उच्च शिक्षण संस्थान के लिए भी सांसद के द्वारा लगातार प्रयास जारी है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी हाथरस की अपनी पहचान रही है। आज हाथरस की सड़कों से लेकर भवनों तक पेंटिंग्स और कलाकृतियां शहर की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। चमकता, दमकता, उभरता और संवरता हाथरस आज विकास पथ पर लगातार अग्रसर है और सांसद सहित यहां के सभी जनप्रतिनिधि मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हाथरस के सभी जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद, माननीय विधायक और भी जनप्रतिनिधि, जो छोटे बड़े जनप्रतिनिधि हैं, वो सभी ये चाहते हैं कि अपना ये नगर और अपना ये जनपद सबसे अग्रणी हो, सबसे सुंदर हो। इसमें सभी लोग जितना जिससे संभव है सभी मदद कर रहे हैं। राजनीतिक परिवेश में पले बढ़े दिलेर परिवार के ज्यादातर सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं। सांसद राजवीर दिलेर की धर्मपत्नी न सिर्फ परिवार को संभालती हैं, बल्कि राजनीति में भी पति का पूरा सहयोग करती हैं। पहले मेरे ससुर सांसद थे, विधायक रहे, उसी टाइम से मैं देखी चली आ रही हूँ राजनीति को। तो दादाजी के ख़त्म होने के बाद हम लोगों को फिर राजनीति ज़्यादा सक्रिय होने लगे। तो अब इनको बाहर भी जाना होता है तो बाहर देखते हैं, मुझे घर में बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, सब बच्चों की व्यवस्था भी देखनी पड़ती है। उसके बाद जब टाइम मिलता है तो मैं भी राजनीति में निकल जाती हूँ। तो दोनों ही मिलकर चलाते हैं। पूरा दिलेर परिवार जनता के लिए समर्पित है। क्षेत्र में हुए विकास कार्य बेटियों को पिता राजवीर दिलेर पर गर्व की अनुभूति कराते हैं। जो मेरे दादाजी का एक सपना था मेरे परिवार को लेकर कि एक राजनीति में एक अच्छा नाम, जो मेरे दादाजी छोड़कर गए थे, वो मेरे पापा ने पूरा किया है और कर रहे हैं। संसदीय क्षेत्र में जनता की सेवा करने के लिए समर्पित राजवीर दिलेर की बेटी के मुताबिक उनके पिता के लिए 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। हम लोग थक जाते हैं, मैं खुद स्वयं थक जाती हूँ। वो इतना वर्क करते हैं और मतलब कि एक एक गांव, दो दो गांव वो लगातार चलते हैं। हम लोग भी बैठने के लिए कहते हैं पापा बैठ जाओ, कि नहीं नहीं चलना है आपको। तो वो इस तरह से लगन से काम करते हैं और आज जो मुकाम पे पहुँचे हैं वो अपनी मेहनत और अपनी लगन से पहुँचे हैं। और मुझे गर्व फील होता है कि मैं ऐसी पिता की बेटी हूँ। इंसान होने का वो महान फर्ज बस तुम अदा करो पापा जी, ला दो आपके क्षेत्र में खुशी। मैं उस कर्म की बात करूंगी, बस उस कर्म की बात करूंगी। सांसद राजवीर दिलेर को अपने व्यस्त समय में से जब भी थोड़ा वक्त मिलता है, इस समय को वो अपने परिवार के साथ बिताते हैं, परिवार के बच्चों के साथ खेलते हैं। पूरा समय जनता को देने के बाद मैं क्षेत्र में चले जाता हूँ और मेरे खाने पीने का समय जब क्षेत्र में होता है, छह से अपना भोजन करता हूँ दोपहर का, और शाम को बड़ा लेट सेट पहुँचता हूँ। तो फिर परिवार से जो समय मिलता थोड़ा बहुत, परिवार से बैठ के बातचीत करता हूँ। कभी कभी तो एक एक हफ्ता भी होता बच्चों से बात नहीं हो पाती है, क्योंकि जनता के काम के लिए मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, जनता से मिलना बंद नहीं कर सकता। परिवार को एक से व्यक्ति को टाइम नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, चलेगा, संभाल लूँगा समय, लेकिन जनता नाराज नहीं होनी चाहिए मेरी,
यह समय मेरा प्रयास भी रहता है। हाथरस यानी ब्रज की देहरी पर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम अर्थात दाऊ बाबा का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर प्रांगण में 110 साल से लगने वाला लक्की दाऊजी मेला प्रदेश में आज भी सद्भाव का प्रतीक है। आज ब्रज क्षेत्र के प्रसिद्ध लक्की मेलों में से एक मेला है, जिसमें सांस्कृतिक साहित्यिक ऐतिहासिक धरोहरों से जुड़े तमाम कार्यक्रम, क्या वो कब सम्मेलन हो, कब बाली हो, रसिया हो, स्वांग हो, और ये हाथरस है ना, हाथरस लोक गायकी और लोक नाट्य में भी अपना स्थान, प्रमुख स्थान रखता है। यहाँ के नथाराम का स्वांग, यहाँ के खिच्चू लाला के रसिया आज भी गाए और गुनगुनाए जाते हैं। पूजा पाठ में विशेष रुचि रखने वाले सांसद राजवीर दिलेर संसदीय क्षेत्र में रहने के दौरान समय निकालकर मंदिरों के दर्शन के लिए भी जाते हैं। विधि विधान से पूजा अर्चना करके उन्हें आत्मिक शांति मिलती है। इन्हें गायों से भी विशेष लगाव है। गायों की सेवा करना सांसद राजवीर दिलेर को पसंद है। ब्रज क्षेत्र से जुड़ा हुआ हाथरस लोकसभा आती है। अगर वृंदावन में कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था तो दाऊ जी महाराज का हाथरस में भी जन्म हुआ था। हाथरस में एक दाऊ जी के नाम से भी जाना जाता है, जो कृष्ण भगवान के बड़े भाई थे। हाथरस में बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है। हाथरस संसदीय क्षेत्र लगातार सांसद राजवीर दिलेर के नेतृत्व में विकास पथ पर अग्रसर है। शहर में पार्कों और चौराहों के सौंदर्यीकरण से जिले की सूरत जरूर सुधरी है। स्वच्छता चौक, शहीद पार्क, ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ बनने से हाथरस की खूबसूरती भी बढ़ी है, लेकिन इस संसदीय क्षेत्र में विकास को और गति दिए जाने की जरूरत है, जिसे सांसद राजवीर दिलेर बड़ी ईमानदारी से स्वीकार भी करते हैं। बहरहाल हाथरस के सांसद के तौर पर राजवीर दिलेर ने क्षेत्रवासियों के मन में तमाम उम्मीदें पैदा की हैं। संसदीय क्षेत्र के विकास को लेकर वो लगातार तत्पर भी हैं। बतौर सांसद राजवीर दिलेर का मानना है कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी काम किए हैं और अभी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। सांसद महोदय का मानना है कि आने वाले वक्त में उनके संसदीय क्षेत्र में और अपेक्षित योजनाओं को पूरा कर वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। तो आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आने वाले समय में हम किसी और माननीय सांसद के साथ उनके संसदीय क्षेत्र में चलेंगे और देखेंगे वहाँ की विकास की पूरी यात्रा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।